गाइस अभी हम जा रहे हैं डंसर बाबा। डंसर बाबा अभी हमें आधा घंटा लगेगा कम से कम, तो कटरा से 15-20 किलोमीटर दूर है। तो ऑटो वाले ने हमें 4 घंटे दिए हैं हमें वापस आने के लिए। हम ऑटो में जा रहे हैं अभी, तो मिलते हैं सीधा डंसर बाबा। मछली बोलते हैं, कौन सी जगह है वो? पूरे दिन के लिए I'm
पहुंच चुके हैं और अब हम नीचे आपको मिलते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ क्रॉस करके जाना है, नीचे आपको दिखाते हैं। ये देखिए धनसर बाबा पहुँचने के लिए पहले ये सीढ़ियाँ आती हैं। ये देखिए नीचे का व्यू, ये देखिए, ये देखिए, पास नीचे पहुंचने वाले हैं। वीडियो बनाने दो, तार दिन बेटी तीनों गए देखिए हम पहुंच चुके हैं श्री बाबा धनसर ट्रस्ट कारुआ, आपका स्वागत करता है। हम बाबा धनसर में पहुंच चुके हैं, अब अंदर के दर्शन आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जूते उतार रहे हैं ताकि मंदिर के अंदर कोई यात्री जूते ना लेके जा सके। ये देखिए बापू को बोल रहे थे उन्होंने अंदर चलते हैं। यू गोड़ा, ये देखिए बनाइए ऐसे थोड़ी सी, हाय बनाओ बनाओ। ये देखिए ये है धनसर बाबा के अंदर का, यहाँ पे ही लोग सिक्के डालते हैं ताकि उनकी विशेष पूरी हो जाए। अभी हम भी डालने वाले हैं। ये देखिए अभी हम अंदर दर्शन करने जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लोग पट्टियाँ बांधते हैं, मतलब मन्नतें पूरी करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। जा रहे हैं अब दर्शन करने। ये देखिए अंदर हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जाएंगे यहाँ पे दर्शन करने शिव जी के। ये देखिए अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए आप कहा के दर्शन नहीं करा पाऊंगे। ये देखिए वाह, आप सारे
करता है ना इसका नहीं सारे है कि फोन में जो यू है और कुछ हो ही नहीं आज आदमी खड़ा रहेगा देखिए दोस्तों अब हम दर्शन करके आ चुके हैं ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये अब हम नीचे जाएंगे जहाँ पे ये पानी निकलता है और वहाँ पे हम नहाएंगे यात्री एवं श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पर लंगर दिया जा रहा है अभी कोरोना की वजह से ये व्यवस्था बंद है तो गाइस अभी हम यहाँ पे डंसर बाबा पे नहाने वाले हैं तो आप देख सकते हो ये नहाने जा रहे हैं ये देखो वो देखो तो मैं अभी जाने वाला हूँ नहाने मम्मी हाय तो चलो मैं अभी नहाता हूँ अब मिलते हैं नहाने के बाद सीधा बार जनवरी में आते हो बर्फ का पानी आता है फरी ईसु ईसु आशी कहाँ है तो गाइस यहाँ पे हम नहा लिए हैं तो मैंने यहाँ पे कपड़े पहन लिए हैं तो अब हम फोटो शूट करेंगे थोड़ा सा फिर हम निकलेंगे और हम दो तीन जगह और घूमेंगे जैसे नौ देवी और अगरजीटो दोस्तों अब हम यहाँ पे नहा चुके हैं और अब हम ऊपर जाएंगे अभी देखिए यहाँ पे बहुत पत्थर है यहाँ पे अब हम जाएंगे ये देखिए ये देखिए अब हम ऊपर जा रहे हैं चलो मैं जीत गया चैलेंज में कौन सा चैलेंज कौन ज्यादा इधर पर खड़ा रहेगा इधर इस पे ओके इधर से नौ देवी जाएंगे फिर नए वाले मंदिर में जाएंगे नए वाले मंदिर तो सबसे शुरुआत में होता है देखिए दोस्तों यहाँ के दृश्य हम आपको पहले ही करा चुके हैं अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं तो फिर आप हमारे चैनल पर पूरी वीडियो देख सकते हैं हाँ तो अब हम दर्शन करके नहा के आ चुके हैं ये देखिए यहाँ से आपको पता होगा ये कहाँ पे हैं ये देखिए ये थके हारे इंसान आ रहे हैं
तो गाइस अभी हम यहाँ पे नौ देवी पहुँच चुके हैं, और अभी मैं यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम फ़ोन लेकर नहीं गए थे। तो मैं आपको बाहर से व्यू दिखा देता हूँ। हम दर्शन करके आ चुके हैं, तो अब हम जाएंगे बाबा अगर अजीटो, तो चलिए मिलते हैं वहाँ के मंदिर में। तो ये आप देख सकते हो इधर मंदिर नौ देवी का, इधर से नीचे जाते हैं। तो हम मिलते हैं अगले स्टॉप पे। अब हम बाबा अगर जीटो पहुँच चुके हैं। ये देखिए अब हम अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। ये देखिए ये देखिए प्राचीन बाबा जीटो का मंदिर। ऊपर का भी रास्ता है। यस ऊपर जाना है। ये देखिए बाबा जीटो का मंदिर। बाबा जीटो जी की संक्षिप्त कथा ये आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। मैं तो इसे पढ़ चुकी हूँ। कितना अच्छा मौसम है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तीन तरह से चंद्रमा साथ में अष्ट पूजा दारी और देवी माँ का ये जिनका दर्शन जो आशीर्वाद जो प्राप्त कर रहे हैं देवी माँ चमुंडा माँ की तो सही चमुंडा माता जी का बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ चमुंडा माँ की नजर के सामने माँ भगवती जी का दरबार भक्तों का कल्याण और मार्गदर्शन करती आ रही है भगवती साथ में देवी महाकाली महा सरस्वती और तीनों महादेवियां आपको आशीर्वाद दें, आपके बच्चों को दीर्घायु दें, सदा सर्वदा सुखी रखें, सदा सर्वदा आपका परिवार सुखी रहे और बाल बच्चे की रक्षा करें। बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं। जयकारा शेरावारी का बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी दा। जीतो बाबा जी हुए, उन्होंने माता वैष्णो देवी की भक्ति की और बाबा गोगा देव जी की भक्ति की। 3300 करोड़ देवी देवता हमारे हिंदुओं के हैं,
उनमें से गोगा देव यही एक ऐसे देव हुए हर मजहब ने इनकी पूजा अर्चना की मुस्लिम लोगों ने गोगा पीर पीर बाबा करके। जन्मभूमि इनकी राजस्थान वागड़ की है और जन्मदिन जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसके दूसरे दिन जो गोगानों में आती है। और हमारे जो पुराने पूर्वज जो जुगों जुगों से लेके माँ वैष्णो देवी जी के चरणों के पुजारी हुए और 1986 तक 1986 में श्राइनपुर ट्रस्ट बना और हमारे पूर्वजों ने माँ भगवती वैष्णो देवी की भक्ति की और बाबा गोगा देव जी की इनकी भक्ति की। आज भी हम खड़े हैं दरबार में, आज भी माँ भगवती वैष्णो देवी की भक्ति और बाबा गोगा देव जी की आराधना और माँ भगवती जी की आराधना चल रही है पूरे सच्चे दरबार की। और इनके आगे सिर्फ जय पुष्प चढ़ते हैं, भक्तजन बड़ी प्यार से और मोहब्बत से इनके चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं और सदा कल्याण करें और मार्गदर्शन करें चलाइए सभी और सुखमती सुख शांति। क्योंकि जो इधर जो परात रखी होती ना वो अभी मैंने उठा के माँ वैष्णो माता जी के दरबार में रखी हुई है, चमुंडा माता जी की। और अब ऐसे नीचे ही हटा लीजिए पुष्प, क्योंकि पुष्पों से वो उनके चरणों में रखिए फिर परात आ जाएगी। मगर अभी और जे बाबा जी के चरणों में जाते हैं चुंडरी माँ भगवती जी के चरणों उधर चाहते हैं सच्ची दरबार की। और सर्व भक्त ध्यान से सुनिए, जितने भी हैं ये बाबा जी का मंदिर इस जगह के ऊपर बनने जा रहा है, कोई मंदिर के लिए दान करना और सीध काट सकते हैं, डोनेशन किसी के हाथ में नहीं देना है। बाबा जी का जो बेड़ पात्र रखा हुआ है बेड़ पात्र में डाल, पूरा धुंध से ढका हुआ है क्योंकि द्वापर युग में जब उनको अज्ञातवास हुआ, अज्ञातवास काटते काटते जिस भव्य दरबार में खड़े हैं लगभग एक साल उन्होंने तप तपस्या की है, क्योंकि ये त्रिकुटा पर्वत है तप भूमि है और इसी जगह से जाके बकासुर देवते का वध किया। सामने जो बड़ा पहाड़ देख रहे हैं आगे लास्ट में वो भी नजर नहीं आ रहा है, धुंध नजर आ रही है। और उसी जगह से दोबारा फिर से इस जगह के ऊपर इसी जगह से चलता चलते माँ की खोज की और भक्ति जो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने की माँ भगवती जी का और आशीर्वाद लेके तब जाके कुरुक्षेत्र में उन्होंने युद्ध जो आरंभ जो मतलब उन्होंने शुरू किया था। ये बड़ा जबरदस्त इतिहास है, मैं आपको शार शार में इनकी बातें जो बता रहा हूँ। और आज ही पाँच पिंडी स्वरूप में पाँच पांडव जो विराजमान है, जैसे हमारे पूर्वजों ने परंपरा रखी हुई थी क्योंकि पुराने पुजारी वैष्णो माता जी के हमारा ही वंश था श्राइन बोर्ड एंड ट्रस्ट बनने से पहले जुगों जुगों से लेके 1986 तक, जैसे हमारे पूर्वजों ने परंपरा रखी थी उस जो एक चोटी है बड़ी जबरदस्त उधर पांच पिंडी स्वरूप पांच पांडव विराजमान है, ऐसे ही श्राइन बोर्ड ने जो इंटरेस्ट बना हुआ है ऐसे इन्होंने भी उस जगह के ऊपर परंपरा रखी हुई। ये भी उस जगह के ऊपर जाते हैं हर नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं, मगर आम भक्त का जाना बड़ा खतरनाक और डेंजरस रास्ता है क्योंकि रास्ता नहीं है, बड़ा ऐसे पहाड़ी एरिया से गुजर के मतलब जाना पड़ता है माता जी से दूसरी साइड से सामने जो पहाड़ है उधर से निकल के बड़ी खतरनाक डेंजरस रास्ता है। और आज भी पूजा अर्चना होती है हर नवरात्रों में बड़े सचिवार की जय। ये मैंने थोड़ा आपको शार्ट में बताया, अगर थोड़ी धुंध नहीं होती उनका सामने दर्शन होना था आपसे 10-15 मिनट आधा घंटा पहले, भक्तों ने दर्शन मैंने कराए उनको पहले जगह का बड़े सचिवार की जय। और मेरी कोशिश होती है कि उनके बारे में जिक्र हम जरूर करते हैं और क्योंकि हर भक्त इधर से क्योंकि वो नजर ही इधर से आते हैं और कहीं किसी दरबार से जहाँ वैष्णो माता जी के दरबार से या फिर इस वाले दरबार से सामने उनका वो पहाड़ी नजर आती है और इतनी सी चोटी नजर आती जितनी मेरी हाइट है बस 6 फुट की और बाकी पूरा वो पहाड़ से वो पीछे वो नजर नहीं आता है इतना सा बिल्कुल ऐसे ट्राई अंडर चोटी करके सभी देख रहे हैं। इस तरीके से नजर इधर से आती है, अगली बार आएंगे आपको इस तरीके से और महसूस हुआ इधर से दर्शन जरूर हम आपको करवाएंगे। दर्शन करें हैं आप आए तो प्रसाद जरूर लें और यह इस मंदिर में जरूर करें।